First of all, hello everyone. Thank you so much यहाँ आने के लिए. इसको हम कहते हैं the wall of love. And ये सारे messages हमने एक online contest किया है, जहाँ पे हमने लोगों को बोला था anyone who you have a special connection with, जो आपका person है, जिसके साथ भी, तो अपनी photo भेजे और love stories भेजे. And हमने हमारे favorite select किए हैं, which are going to be up on this wall. Entries have come from all over the world. पूरी दुनिया से हमारे पास entries आई थी, तो हमने हमारी favorites को pick किया है. Ditto. बाकी को कुछ खाया नहीं, मैंने को कुछ खाया नहीं, खाने को घबरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए. बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए. वॉल ऑफ लव आज अनवेल होने वाला है. एंड इट्स ऑल्सो इवन मोर स्पेशल क्योंकि वॉल ऑफ लव जो है, इसकी वजह जो है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म स्काई इज पिंक, जो 11 अक्टूबर को रिलीज होगी. आप सब देखने जाएंगे? Yes! यार थोड़ा और आवाज तो कर लो. Yes! Thank you very much. शेडी करो. 1, 2, 3. All right, time to make some noise, ladies and gentlemen. Come on. बनता है, बनता है. देखो सबकी फोटोज. किसी ने अपनी मॉम के साथ भेजा है, किसी ने अपने बच्चों के साथ भेजा है. किसी ने अपनी सारे परिवार भी है एक फोटो में. या या ब्यूटीफुल. सी वी वांट यू टू फोटोग्राफ. किसी ने अपनी बहन के साथ भेजा है. आई थिंक वो उनकी बहन है. ये ऐसे ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते ऐसी चीजें, है ना. पहले से पहले कर दिया. सॉरी मैं प्रेजम्प्शन. जिंदगी ऐसी होती है कि उसमें हंसी के साथ हंसी और मजाक के साथ बुरे वक्त भी आते हैं और बुरे वक्त के साथ हंसी मजाक आते हैं. अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी की बात ही होती है. ये फिल्म हमको सिखाती है कि आप किसी भी कुछ भी हो जाए जिंदगी में, खुश मिजाज जिंदगी जियो. चाहे जिंदगी जितनी भी लंबी हो, आनंद में कहा था ना, बड़ी होनी चाहिए. लेकिन इसमें जो बहुत ही एक अच्छी बात थी वो एक, क्योंकि ये जो लोग पे बेस्ड है ये फिल्म, वो लोग लंदन में रहते हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं. सो द मिनट द कैरेक्टर्स आर अबाउट रियल पीपल, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. कभी कभी आप कहानी लिखोगे उसमें कुछ चीज़ डालोगे तो लोग कहेंगे कैसे हो सकता है यार, ये तो लाइफ में होता है नहीं. लेकिन इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं, देयर इज समथिंग इन इट फॉर एवरीवन. क्योंकि उनकी जर्नी जो है वो मतलब 24 से लेकर 57 तक जाती है. और उनके बच्चों की भी एक जर्नी है जो पैदाइश से लेकर 18-19 तक होती है. तो बहुत कुछ है सीखने को. और उनकी स्ट्रगल से उनकी जो एक मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए, बच्चों के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म को करके.